नमस्कार, मैं हूँ आनंद देव मिश्रा। आज हमारी फिल्म जीता हम प्यार की बाजी का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा शेड्यूल था और हम लोग ने जहाँ तक हम लोग ने कोशिश किया जीता हम प्यार की बाजी हम लोग ने जीत लिया है। सारी इंटायर टीम ने बहुत मेहनत किया है, वो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या मेकअप मैन हो या हेयर ड्रेसर या जो भी है लोग इस फिल्म में, सब लोगों ने कॉपरेट किया। अगर हमारा शेड्यूल 7 बजे का होता था तो 7 बजे सारे लोग उठ के अपना कैमरा ऑन कर देते थे, क्योंकि अगर हम टाइम से हर चीज़ करेंगे, एक शेड्यूल बना के चलेंगे, हमें एक दिन में 6 सीन उड़ाना है या 8 सीन करना है, तो उस हिसाब से एक हमारा वो जो प्रोड्यूसर का जो बचने का वो होता है वो सेफ भी रहेंगे, डायरेक्टर भी अपने काम में बहुत अच्छे से करेंगे। आज हमारे यहाँ लिट्टी पार्टी है और लिट्टी हम लोग जहाँ तक है बिहार और यूपी में खाने को बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ पर आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी लिट्टी पार्टी का आयोजन किया है और सारे लोग बहुत खुश भी हैं। प्रोड्यूसर के बारे में सीताराम की चौरसिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे यंग प्रोड्यूसर जो भोजपुरी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से सीताराम चौरसिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी है हमारी कि सबसे पहला उन्होंने मुझे मेरी कास्टिंग की और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके मुताबिक खड़ा भी उतरा। इस फिल्म में नीलेश साखिया जी भी प्रोड्यूसर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कॉपरेशन रहा इस फिल्म को यहाँ तक लाने के लिए। साथ ही साथ सीताराम जी की लक्ष्मी इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन और प्रेजेंट कर रही है रुद्राक्ष फिल्म्स, जो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलके ये फिल्म इस मुकाम पर पहुंची है और हम लोग की कोशिश है इस फिल्म को अप्रैल तक में रिलीज़ कर देंगे। जैसे कि फिल्म का मैं ऑन लोकेशन देखा था, काफ़ी स्टंट किया गया था, आपने भी खतरनाक स्टंट किया था, जी घबराहट था करते वक्त? सर घबराहट तो बहुत था क्योंकि इतना फाइट आज तक मैंने किया नहीं था, मैंने जितना भी फाइट किए थे सब जमीन पर किए थे, ये केबल का फाइट था। कोई भी इंसान हो, जब आप उतने ऊपर से छलांग लगाओगे और एक केबल रहेगा और आपको बोला जाए ये करने के लिए, तो आप तो थोड़ी देर में सोचे क्या पता कहीं केबल टूट गया, तो इतना होता है कि सेफ्टी हम लोग के बॉडी में लगा रहता है कि हम लोग सेफ रहते हैं और करने बहुत मजा है। आप तो जितने बार भी केबल आएंगे उड़ के मारेंगे। सर आज ऑन लोकेशन का सीन था, कुछ रोमांटिक सीन थे और कुछ मोन्टाज थे कि ये दिखाना था कि जैसे हमारी कहानी है फिल्म की, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे नहीं करती है और जो हमसे करती है हम उनसे नहीं करते हैं। एक ट्रायंगल लव स्टोरी है हमारा, लड़कियां चुलबुली भी है, अच्छी भी है, इमोशनल भी है, मतलब पूरा वो चलता रहता है और ऐसी फिल्म है, आपको एक्शन भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ रोमांस मिलेगा, इमोशनल तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, कॉमेडी का तो भरपूर मसाला है और फिल्म साफ सुथरी, आपको कहीं गंदगी नहीं दिखेगी फिल्म में। पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को बहुत आराम से देख सकते हैं। सर एक कहावत है कि हर इंसान कहता है कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, तो आज मैं भी फख्र से कहता हूँ कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर देखिए। कुछ आपने कहा कि प्रोड्यूसर साहब ने आपको काफी सपोर्ट किया, पार्टी का आयोजन किया, तो क्या पार्टी में कुछ ऐसा प्लान किया गया, कुछ परेशान करने का, कुछ खास तैयारी की गई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन लिट्टी चोखा का प्लान नहीं, मैं अर्चना जी को बुलाना चाहूँगा, आप आइए, बिंदास आइए, आप तो हमारे लिए, ये है अर्चना सिंह जी, इनका बहुत अच्छा मुझे कॉपरेट मिला, कभी भी मुझे परेशान नहीं की सेट पे, जब भी मुझे लगा डेट चाहिए इनका, एक आर्टिस्ट है, एक अच्छी मेरी बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, दोस्त भी है, कभी भी मुझे डेट के लिए परेशान नहीं किया इन्होंने, हमने जब भी कहा इनसे कि मैडम आपके पास डेट है क्या, हाँ जी है ना डेट, बोलती कौन सी फिल्म के लिए, हम जब बोली जीता हम प्यार के बाजी, तो मैं तो फिर वो बोलती नहीं पक्का कोई फिल्म में छोड़ देंगे, मैं इस फिल्म को पहले कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इस फिल्म में हर किसी का जान बसा है। और साथ ही साथ अभिलाषा जी भी है हमारे पास, चुलबुली नटखट, कम जी, आपके कितनी खास है मूवी, जैसे तो आनंद जी ने कहा कि आपने इस फिल्म से तुरंत राजी हो गए, क्या कितना क्या खास कर दिया आपने? एक्चुअली इसकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे और मैं और अभिलाषा बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो मुझे पता चला कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा और आनंद, इसलिए हम लोग ने हाँ बोल दिया। सेट पे ऐसा मस्ती करते हैं कि आप दोनों दोस्त हैं? हाँ, हम दोनों मिलके बहुत मस्ती करते रहते हैं, ये दोनों मिलके तो दैट्स अ टॉप सीक्रेट, मतलब अगर मैं हंसता रहा तो अचानक कुछ ऐसी सी बातें करेंगे जिनसे मतलब हम लोग इनकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, सिर्फ हमें हंसने का हक है। बहुत परेशान किया, मतलब ऐसा भी कह सकते कि इन्होंने हम लोगों को परेशान किया? नहीं, मैंने हाँ ये सच है कि इन्होंने बहुत परेशान किया, इसलिए इनको हम लोगों ने परेशान किया। अब बेचारा ये आनंद भी क्या करेगा, अकेला पड़ गया दो लड़कियों के सामने, रियली सर तो झुकाना ही पड़ेगा। मूवी का नाम है
जीतम प्यार के बाजी, तो आपको इस प्यार के बाजी जीतने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी? मशक्कत की तो छोड़ दीजिए, इतनी मशक्कत करनी पड़ी है कि हम ही जानते हैं, और वो चीज ऑन स्क्रीन आपको फिल्म देखने पे दिखेगा आपको पर्दे पे। अच्छा, जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए? मैं जाते जाते सबसे पहले दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप सारी फिल्मों को बहुत प्यार देते हैं, एक बार हमारी इस फिल्म को जोर देखिएगा। अप्रैल में ये फिल्म आ जाएगी और पूरी फैमिली के साथ देखिए। हमारी इस फिल्म में कहीं भी गंदगी नहीं है, और सबसे मैं फिर से एक बार यही कहूँगा कि हमारी दो ये कुड़ियाँ हैं, अर्चना जी, अभिलाषा जी, जिनका मेरे साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री आप लोग को देखने को मिलेगा, और मतलब एक ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हर सीन के बाद इंसान हंसता हंसता कैसे रोता है, इमोशनल कैसे हो जाएगा। एक तरफ प्यार चल रहा है, एक तरफ तकरार चल रहा है, एक तरफ तकरार चल रहा है तो एक तरफ प्यार चल रहा है। इन दोनों को मैंने बहुत थप्पड़ भी मारा है फिल्मों में, लेकिन एक ऐसा सीन है कि इन्होंने और मैं उसके बदले इन्होंने भी ले लिया सारी थप्पड़ मारी रीटेक कर करके और मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी लक्ष्मी इंटरटेनमेंट एंड रुद्राक्ष फिल्म प्रोडक्शन को, जिनकी वजह से ये मूवी बनी, और मेरे पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत से ये फिल्म बनी है और बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। जाते जाते डायरेक्टर साहब के लिए एक शब्द है कि एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे प्रदीप आर शर्मा जी डायरेक्टर है और यंग है, और यंग में एक नया जुनून होता है, देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में, मतलब ऐसे तो वो हर फिल्म में देखते हैं तो कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ करते रहते कि मुझे ये शॉट्स लेना है, मुझे ये शॉट्स लेना है। एक अजीब अजीब क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चलता है, वो शॉट्स को लेते रहते हैं। बहुत मजा आया उनके साथ में। हमारे फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे हैं, फाइट भी बहुत अच्छे हैं। एक अलग फाइट आपको भोजपुरी में देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम, और साथ ही साथ जो मैंने कहा आपसे इमोशनल है, रोमांटिक है, रोमांटिक में तो आहा बहुत मजा आया इन दोनों के साथ में, और साथ ही साथ इन लोग ने तो इतना मुझे भी मारा है कि तो फिल्म में आप जब पर्दे पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। तो रोहित चाय पी लो थोड़ा सा। हीरो हीरोइन की तरह रही आप लोग, क्या फोटो खिंचा रहे हैं खड़े होके? नहीं, एक्चुअली